थोड़ा सा क्या खाते हुए अच्छा सा क्रंचीनेस आता है अंदर, तो अच्छा लगता है। अगर आप नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसको थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए इसमें 1 पिंच ग्रीन कलर मिलाया है, फूड कलर है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ना कोई इसका अलग से कोई टेस्ट होता है, बस दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए डाल लेते हैं। देखिए ये अपनी स्टफिंग भी बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब चाशनी बनाते हैं। आधा किलो शक्कर लिए, मतलब कि 1 कटोरा शक्कर थी तो 1 ही कटोरा पानी लेंगे, क्योंकि कम पानी डालेंगे तो चाशनी गाढ़ी हो जाएगी, गाढ़ी चाशनी अच्छे से अंदर जाएगी नहीं गुलाब जामुन में, तो वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए सेम क्वांटिटी में पानी लेना, वही ज़्यादा अच्छा मेजरमेंट रहेगा। अब हम एक सिंपल बोल बना के तैयार करते हैं, ताकि उसको हम तल के देख लें कहीं वो फट तो नहीं रही, कच्ची तो नहीं रह रही, आटा अपना परफेक्ट है कि नहीं है। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो फिर आप आटे को दोबारा से आप सेट कर सकते हो। अगर अच्छे से तली जा रही है तो सोचिए आपका आटा अच्छे से तैयार है। आप इनको घी में भी बना सकते हो, फिलहाल हम इसको रिफाइंड में बना रहे हैं। इसमें 4-5 इलायची प्रेस करके डाल दो, या तो इलायची पाउडर हो तो 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल दो, उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आता है। अब इसको हिलाते रहें ताकि शक्कर अच्छे से घुल जाए और नीचे तले में ना बैठे, थोड़ा सा अच्छा लुक आए। इसलिए मैंने इसमें 1 पिंच येलो फूड कलर डाल दिया है, ताकि अपनी चाशनी देखने में अच्छी लगे। अगर आपके पास केसर है तो 5-7 धागे केसर के डाल दो, तो भी अच्छा कलर आएगा उसका भी। चाशनी ज़्यादा तार वाली नहीं बनानी है अपने को, चिपचिपी तार चाशनी रखनी है। और तेल को याद रखना, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का हल्का गर्म करना है। ये देखिए थोड़ा हमने चेक करने के लिए डाला है तो बबल आ रहे, ऊपर आ गया है तैर के, तो तेल मतलब सही परफेक्ट गर्म है। ज़्यादा गर्म करोगे तो एकदम से वो जल जाएंगे ऊपर से और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये बोल हमने डाली है ट्राई के लिए, और थोड़ा ऐसे तेल उछाल उछाल के उसको चारों तरफ से अपन सेकेंगे, कलछी को नहीं लगाएंगे उसके ऊपर, नहीं तो वो फूट जाएगी। अब ये देखिए, अब इनको स्टफिंग वाली बोल्स अपन तैयार करते हैं। ये देखिए ये बोल अच्छे से सीख कर तैयार हो रही है, मतलब अपना आटा बिल्कुल सही लगा है। चलिए जब तक अपन और बोल बना के तैयार कर लेते हैं। ये हमने बोल बना के तैयार कर लिए थे, कर लिए हैं, अब इन्हें डालते हैं। एक एक करके डालिए, सब इकट्ठी नहीं डालना, और मतलब कम ही कम डालना, एकदम से ज़्यादा भर दोगे तो उनको थोड़ा हिलने में जगह नहीं मिलेगी, तो अच्छे से वो सिक नहीं पाएंगी। अब थोड़ा थोड़ा तेल इधर उधर से उछाल लो इनके ऊपर, ताकि वो चारों तरफ से घूमती रहे और अच्छे से सीख कर तैयार हो जाए। इनके ऊपर कलछी लगने मत देना, नहीं तो फूट जाएंगी। ये देखिए ऐसे करते रहिए तो वो चारों तरफ से अच्छे से सीख जाएंगी, एक तरफ से जलेगी नहीं। अगर नहीं हिलाओगे तो एक तरफ से वो जल जाती है। यहाँ पे फ्रेंड हम काला जामुन बनाने जा रहे हैं। अगर आपको गुलाब जामुन बनाना है तो थोड़ा सुनहरा होने तक ही निकाल लें, हम काला जामुन बना रहे हैं इसलिए हमें डार्क कलर चाहिए, तो डार्क बना रहे हैं इसको। एक बार का सेट तलने में गुलाब जामुन अगर बना रहे हो तो 10 मिनट लगती है, अगर काला जामुन बना रहे हो तो 12 से 13 मिनट एक्स्ट्रा लग जा 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाती, तो 12 से 13 मिनट उनको लगती है। काला जामुन खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, क्योंकि उनकी ऊपर की परत अच्छी क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाती है। और वैसे तो गुलाब जामुन भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर उनसे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं काला जामुन। कभी बना कर देखना, तो ट्राई करना। ये देखिए अपने एक बार के बनकर तैयार हो गए हैं, तो इन्हें आप चाशनी में डाल दें। अब ये दूसरी बार के डालते हैं। एक दो मैंने लंबा साइज का बना दिया है, चमचम साइज, चमचम टाइप का। अगर आपको जो भी
साइज़ जो भी डिज़ाइन पसंद हो उस डिज़ाइन के आप बना सकते हो। ये देखिए इतने आटे में हमारी 30 बोल बनकर तैयार हो गई है। ये कम से कम भी 1.5 से 1.75 किलो के आसपास गुलाब जामुन बन गया है। आइए अब इन्हें सर्व करते हैं। चलिए अब आपको भी खिलाकर बताते हैं, थोड़ा आप भी टेस्ट कर लीजिए कैसी बनी है। चलिए ये देखिए, वाव क्या स्मूथ बनी है। ये देखिए अंदर से बिल्कुल जूसी जूसी, देखो आ रहा है मुंह में पानी, क्या मस्त बनी है। देखिए अब छोटे वाले को भी काट कर दिया, ये देखिए वाओ कलर कॉम्बिनेशन देखना क्या मस्त लग रहा है। और इसके अंदर जो काजू और बादाम के जो टेक्सचर आता है खाने का, क्या बात है। ये देखिए खा कर बताइए कमेंट करके कैसे लगे, और लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ दोस्तों, अब अगली वीडियो में क्या बनाएं वो राय भी दीजिएगा हमें, ताकि हम अगली वीडियो आपकी पसंद की बना सकें। धन्यवाद।